पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी, ये हमने कद्दूकस की हुई गाजर, पत्ता गोभी और फूल गोभी ले लिया है, इसका पानी हमने निचोड़ दिया है, और थोड़ी सी घिसी हुई पनीर, सब हम एक बर्तन में मिक्स करेंगे। उसमें डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच छोटा चम्मच आधा अमचूर पाउडर, आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक, पराठों में नमक, मटेरियल में नमक हम तभी डालेंगे जब हमें पराठे तुरंत बनाने हो, नहीं तो सब्जियां फिर से पानी छोड़ने लगेंगी। सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठों के लिए आटा हमें सॉफ्ट ही गूंदना है, 10-15 मिनट पहले ही हमें गूंद के रख लेना है ताकि पराठे सॉफ्ट और अच्छे बने। ये हमने आटा पहले से ही गूंद के ले लिया है, अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। पराठों को सेकने के लिए आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी, या फिर आप रिफाइंड ऑयल जो आपको पसंद हो आप कर ले सकते हैं। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा हमारा लगभग गर्म हो चुका है, हम पराठे बेलने शुरू करेंगे। सूखा आटा लगाते हुए हम बेल लेंगे तो हमारे पराठे एकदम सही बन जाते हैं, फटते नहीं जल्दी, थोड़ा बहुत फटते भी हैं तो वो पर खराब नहीं होता है, अच्छे से बन जाता है। चारों तरफ कलछी से प्रेस करते हुए पराठों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अगर आपको कम घी तेल पसंद हो तो आप हल्का सा भी लगा के इन पराठों को खा सकते हैं। पराठों को सूखा आटा लगा के हल्के हल्का सा प्रेस करते हुए बेलना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दबाने से पराठे खराब हो जाएंगे, अच्छे से बेल नहीं पाएंगे।
मिश्रण को अंगूठे से ऐसे दबाते हुए अंदर की तरफ, ऊपर से आटा हाथ उंगलियों से पकड़ते हुए ऐसे चिपका दें, बहुत अच्छे से बन जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और सारी फिलिंग अंदर ही भरी रहती है। एक्स्ट्रा आटा ऐसे निकाल दें, ऐसे प्रेस करके फटाफट बेल लें। फूले फूले पराठे बन रहे हैं, एकदम अच्छे से फूल रहे हैं। सब्जियां भी अंदर अच्छी तरह से पक जा रही हैं। इसी तरह से सारे पराठे सेक लें। बस पराठे हमारे बनकर तैयार हैं खाने के लिए, गर्मा गर्म पराठे। ये देखिए हमारे पराठे खाने के लिए तैयार हैं। आप अपने टमाटर की चटनी या मीठी सॉस किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। धन्यवाद।